हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शालिमा प्रोडक्शन शेयर की। ये शेयर अब 49 पैसे से 83 पैसे पे पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता ही है कि ये लगभग कंटिन्यू 2 महीने से अपर सर्किट में है, और बीच में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी जो कि 77 और 78 पैसे पे थी, जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब आगे की अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इस शेयर को और ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, या अपनी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए, या शेयर सेल कर देना चाहिए, या और इसको बाय करना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट हो या रियल लाइफ, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है लालच। लालच ज़्यादा ना करें। एक बात हमेशा याद रखना कि इमेजिन करने से कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये शेयर 5 रुपये जाएगा, 10 रुपये जाएगा, 15 रुपये जाएगा, ये सिर्फ हमारी सोच होती है, लेकिन रियल में होता उल्टा ही है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसमें से निकाल लें। यानी कि इसका मतलब आप अपने आधे शेयर सेल कर दें। मैं आपको एक शेयर मार्केट का रूल बता रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में रूल चलता है वो बता रहा हूँ आपको, कि जब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप अपना आधा कैपिटल उसमें से निकाल लें। उसके बाद शेयर कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान मत दें। प्रॉफिट होगा तो भी आपको फ़ायदा है, लॉस होगा तो भी आपका फ़ायदा रहेगा। कई लोग को लगता है कि मैंने 10,000 शेयर ले रखे हैं या मैंने 1,00,000 शेयर ले रखे हैं, और अगर ये शेयर 10 पे पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में लगने जैसा कुछ भी नहीं होता। आपको एग्जैक्ट पता है? नहीं पता ना, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये शेयर 5 पे जाएगा, 10 पे जाएगा? ये सिर्फ आपकी एक सोच है, एक लालच है। फ्रेंड्स, कल किसी ने नहीं देखा, जो आज है उसको आप ग्रैब करके चलें, उसको आप पकड़ के चलें। जो मिल रहा है उसमें आप खुश रहना सीखें, तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ शेयर मार्केट का ये रूल समझा रहा हूँ, जो कि रियल लाइफ में भी काम करता है और शेयर मार्केट में भी काम करता है। आप अपनी रियल लाइफ को लेकर सोचें। आपने कई बार सोचा होगा कि मेरे साथ ये काम अच्छा होगा, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपने रियल लाइफ में कई चीज़ें आजमाई होंगी, लेकिन दोस्तों वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसे आप सोचते हैं। रियलिटी ये है कि हम सोचते हैं कि हम जो भी काम शुरू करेंगे उसमें हम सफल हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों रियलिटी आप बताना कि ऐसा कभी होता है? जिस तरह इस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह दिन और रात भी होते हैं, और उसी तरह दोस्तों सफल और असफल भी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सोचो मत। हम सोचते बहुत अच्छा अच्छा है अपने लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। तो आप भी, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आप अपना आधा प्रॉफिट इसमें बुक कर लें और बाकी शेयर इसमें छोड़ दें, और इसके अंदर चाहिए 100 पे चला जाए। आपको ये सोचना नहीं है कि मैंने अपने आधे शेयर बेच दिए, अगर आज ना बेचे होते तो आज इतना प्रॉफिट मुझे मिल रहा होता। उसका नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आपने पूरे शेयर नहीं बेचे, आपने छोड़ दिया, रहने दिया, और कहीं 49 पैसे का वापस चला गया, फिर आप पछताओगे कि काश मैंने अपने आधे शेयर बेच दिए होते। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे रियल लाइफ हो या शेयर मार्केट, ये दोनों अनिश्चित होते हैं। जो आपको आज मिल रहा है आप उसको ग्रैब करें, आप उसको पकड़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।